आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। चलते हैं बड़ी खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को एक बुरी खबर मिली। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वह चोटिल हो गए थे, लेकिन उनके वापसी की उम्मीद की जा रही थी। गुरुवार को यह खबर आई कि वह चोट की वजह से बाकी बचे दो मैच नहीं खेल पाएंगे और भारत लौट रहे हैं। तो देखते रहिए खास रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज के दौरान भारत को दूसरे प्रमुख गेंदबाज को खोना पड़ा। इससे पहले मोहम्मद शमी भी चोटिल होकर सीरीज के बाहर हो चुके हैं। उमेश यादव को काफ इंजरी हुई थी और उनकी जगह टी नटराजन के बतौर बैक पर गेंदबाज शामिल किए जाने की खबर है। बुधवार की रात ही उमेश भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ANI के सूत्र ने बताया उनके स्कैन की रिपोर्ट सामने आई है, वह तीसरा और चौथा मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। अब ऐसे में उनके ऑस्ट्रेलिया में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, लिहाजा बेहतर यही है वह भारत लौट जाए। उनको बेंगलोर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लिहेब के लिए जाएंगे। उमेश बुधवार रात ही भारत के लिए रवाना हो गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाना है। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने मेजबान टीम के 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की थी। सिडनी में कोरोना के मामले सामने आने की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को मेलबर्न में ही रुकने को कहा। 4 जनवरी को दोनों टीम सिडनी के लिए रवाना होगी। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।